नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर की तरफ से मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम केवीएस के बारे में बात करेंगे, केवीएस के बारे में जानेंगे। तो केवीएस में आज हम पेडागोजी में मैं आपको लेकर आया हूं, पेडागोजी के बारे में हम समझेंगे। और पेडागोजी में पहला टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए शिक्षा। तो सबसे पहले हम जानेंगे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। केवीएस और पीआईटी में दोस्तों कुछ ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, बस केवल आपको शिक्षा शास्त्र में आपको समझना है, ठीक है। कुछ चीजें हम मेथड समझनी है आपको, टीचिंग की मेथड क्या होती है, किस तरीके से टीचिंग कराई जाती है, क्योंकि केबीएस में प्रैक्टिकल बेस पे जोड़ दिया जाता है। केबीएस में फैक्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट के बाद केबीएस की कहानी शुरू होती है, तो पहले सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम होता है जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा ये। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें शिक्षा को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी एजुकेशन को हिंदी में दोस्तों कहते हैं शिक्षा। यानी एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा कहते हैं दोस्तों। ये जो शिक्षा जो शब्द है, ये संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। यानी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत की कौन सी धातु से, शिक्ष धातु से हुई है। यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है दोस्तों। इसका अर्थ होता है, यानी कि शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, या फिर दोस्तों विद्या ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करना। यानी कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या फिर विद्या ग्रहण करना। अब दोस्तों ये जो विद्या जो शब्द है, ये भी संस्कृत की विद धातु से बना है। यानी कि विद्या जो शब्द है वो भी संस्कृत की कौन सी धातु से बना है, विद धातु से बना है। यानी जो विद्या शब्द है वो भी संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या, जानना, समझना या जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि विद शब्द का अर्थ क्या है, जानना या ज्ञान प्राप्त, यहां जानना, या हम कह सकते हैं जो एक ईशोपनिषद नाम का एक ग्रंथ था, ईशोपनिषद नाम के ग्रंथ में कहा गया था कि अगर आपने विद्या ग्रहण कर ली तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहा। अगर आपने विद्या ग्रहण कर ली तो फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। यानी ईशोपनिषद के द्वारा अगर आपने विद्या प्राप्त कर ली तो फिर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका हिंदी में एक अर्थ था। अब हम दोस्तों थोड़ा इंग्लिश में बारे में समझते हैं, ठीक है। हिंदी में हमने दोस्तों इतना समझा कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहण करना। और जो विद्या शब्द है वो भी संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। अब ईशोपनिषद जो ग्रंथ, उसमें कहा गया कि अगर आपने विद्या प्राप्त कर ली तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर कुछ जानना शेष नहीं रहा। अब हम दोस्तों थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं, दोस्तों जो एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर हुई है। यानी जो एजुकेशन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है।
यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर हुई है। ये तीन शब्द कौन कौन से हैं? ये तीन शब्द हैं, पहला है दोस्तों एजुकेटम, और दूसरा है दोस्तों एजुकेयर, और तीसरा है दोस्तों एजुशेयर। यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर हुई है, पहला है एजुकेटम और दूसरा है एजुकेयर और दूसरा और तीसरा है एजुशेयर। दोस्तों एजुकेटम का मतलब होता है टीच करना, ये कह सकते हैं शिक्षण करना, शिक्षित करना हम कह सकते हैं। एजुकेटम का मतलब क्या होता है? शिक्षण करना। और ये केयर शब्द है दोस्तों, केयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना, यानी कि पोषण करना या कह सकते हैं पालन पालन पोषण करना। और दोस्तों जो शेयर शब्द है, शेयर का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, पथ पथ प्रदर्शन करना। अब दोस्तों यहां आता है कि शिक्षा कैसी हो? शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा हम शिक्षण कर सकें, प्रशिक्षण कर सकें, शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा हम पालन पोषण कर सकें, और शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा हम पथ प्रदर्शन कर सकें। यानी कि शिक्षा क्या है दोस्तों? शिक्षा एक ऐसा है जिसके द्वारा हम अपना मार्गदर्शन करते हैं, जिसके द्वारा हम अपना पालन पोषण करते हैं, और जिसके द्वारा हम शिक्षित करते हैं, या फिर हम खुद शिक्षित होते हैं या दूसरों को शिक्षित करते हैं। यानी शिक्षा ऐसी हो, अगर ये चीजें नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। यही कहते हैं ना समय, हम लोग या हमारे पेरेंट्स भी हमसे यही कहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे और आप खुद का मार्गदर्शन नहीं कर सकते हो तो बेकार है ऐसा पढ़ा लिखा होना आपका। यानी कि ऐसी शिक्षा बेकार है। यानी शिक्षा वो हो जिसके द्वारा हम अपना पालन पोषण कर सकें और जिसके द्वारा हम अपना पथ प्रदर्शन कर सकें। अब दोस्तों यहां तो हमने इसका मीनिंग समझ लिया, अब हम आगे बात करते हैं। दोस्तों शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, एडम का कहना है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया वो दो लोगों के बीच में चलती है। यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो दो लोगों में चलती है, एक चलती है शिक्षक से छात्र के बीच में। यानी दोस्तों एडम और रॉस के अनुसार एडम और रॉस के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया दो लोगों के बीच में चलती है। पहला दोस्तों शिक्षक और दूसरा छात्र। यानी शिक्षण की प्रक्रिया दो कोणीय होती है, यह कह सकते हैं दो ध्रुवीय होती है। शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है? दो कोणीय होती है, यह कह सकते हैं दो ध्रुवीय होती है। यानी शिक्षण की प्रक्रिया दो लोगों के बीच में चलती है, छात्र और शिक्षक और छात्र के बीच में। यह कथन किसका है? एडम और रॉस का। यानी एडम और रॉस का कहना है कि शिक्षण की प्रक्रिया दो लोगों के बीच में चलती है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम बात करें जॉन डीवी और एडमसन के अनुसार। एडमसन के अनुसार शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो तीन ध्रुवीय होती है, यानी तीन लोगों के बीच में चलती है, यानी त्रिकोणीय होती है।
क्या होती है दोस्तों? त्रिकोणीय होती है। ये रहा दोस्तों त्रिकोणीय, यानी पहला होता है दोस्तों शिक्षक और दूसरा होता है दोस्तों छात्र और तीसरा होता है दोस्तों पाठ्यक्रम। पाठचार्य कह सकते हैं हम, पाठ्यक्रम कह सकते हैं। अब दोस्तों जो शिक्षक जो होता है वह स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है? यानी शिक्षक क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र चर होता है। और छात्र जो होता है वो दोस्तों आश्रित चर होता है। क्या होता है? आश्रित चर होता है। और जो पाठ्यक्रम होता है दोस्तों वो मध्य चर होता है। शिक्षक क्या हो? शिक्षक दोस्तों स्वतंत्र अपने आप में, लेकिन छात्र जो है वो शिक्षक दोस्तों स्वतंत्र अपने आप में, लेकिन छात्र जो है वो किसके ऊपर निर्भर है? वो दोस्तों वो शिक्षक के ऊपर निर्भर है। यानी कि शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है और छात्र जो होता है वो आश्रित चर होता है और जो पाठ्यक्रम जो होता है वो मध्य चर होता है। तो दोस्तों यहां से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण के स्तर के ऊपर बात करते हैं हम। तो दोस्तों आज के लिए हम केवल इतना ही समझते हैं, अगली वीडियो हम बात करेंगे। अगली वीडियो हमारी रहेगी दोस्तों शिक्षण की, हम अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर हम शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे हम जो हर्बर्ट ने पंचपदी योजना दी है हम वो समझेंगे, ठीक है, और मॉरिसन ने जो इकाई जो यूनिट लेसन प्लान दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है, तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ताकि वीडियो आपको पहले मिल सके तो आप बेल आइकन को दबाइए। और दोस्तों जो भी आपको समस्या लगे कहीं भी किसी प्रकार से तो आप हमें बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।